आपने अपने घरों के आसपास चींटियों को देखा ही होगा और इस नन्हे से जीव की कड़ी मेहनत से भी आप हैरान हुए बिना नहीं रह पाए होंगे, क्योंकि चींटी एक ऐसी जीव है जो हमेशा व्यस्त ही दिखाई देती है और ये हमेशा एक लाइन में चलती हुई ज़्यादा नज़र आती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो आज की इस वीडियो में आपको चींटी के बारे में सारे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बातें बताने वाला हूँ। क्या चींटियों का भी कोई राज्य होता है? हाँ, क्यों नहीं, चींटियों के भी अपने शहर होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वे हमारी तरह ही छोटी छोटी बस्तियाँ बनाकर रहती है, आपस में मिलजुल कर अपना भोजन खोजना और उसको अपने राज्य तक ले जाना, ये सब काम इनके मिलनसार होने का प्रमाण है। लगभग 10 से 15 करोड़ वर्षों से चींटियाँ पृथ्वी पर रह रही है। इस अवधि में जंतुओं की कई प्रजातियाँ आई और नष्ट भी हो गई, लेकिन चींटियाँ अभी तक मौजूद है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इस जीव के बारे में, जो हम लोगों को भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। पहले जानते हैं चींटियाँ लाइन में क्यों चलती हैं। प्रत्येक कीड़े मकोड़े अपने ढंग से विचारों और समाचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसी तरह चींटियाँ भी अपने सहयोगियों तथा समूह से संपर्क बनाए रखने तथा भोजन आदि की सही सूचना देने के लिए रसायनों का उपयोग करती है। जब चींटियाँ खाने की खोज में निकलती है तो सबसे आगे चलने वाली चींटी चलते समय फेरोमोन्स नामक रसायन छोड़ती है, जिससे उनके पीछे चलने वाली चींटियाँ उस रसायन को सूंघकर आगे बढ़ती है और इस रसायन की महक अधिक समय तक नहीं रहती है, इसलिए पीछे आने वाली चींटियाँ उस महक को ताज़ा बनाने के लिए स्त्राव लगाती हुई एक ही लाइन में चलती है। यही कारण है कि हमें चींटियाँ हमेशा लाइन में ही चलती दिखाई हुई देती है। कितना वजन उठा सकती है चींटियाँ? चींटियाँ देखने में तो बहुत ही छोटी सी होती है, पर वो अपने वजन से 20 किलो अधिक भार उठा सकती है। चींटी के 6 पैर होते हैं और हर पैर में 3 जोड़ होती है। इनके पैर काफ़ी मजबूत होते हैं, जिसकी मदद से ये तेज भाग भी सकती हैं। दुनिया भर में कितनी प्रजातियां हैं चींटी की? पहले ही हम केवल लाल और काली चींटी के बारे में जानते हों, लेकिन दुनिया भर में चींटियों की करीब 12,000 प्रजातियां मौजूद है। अब जानते हैं चींटियां कितने साल तक जीवित रह सकती है। दोस्तों, रानी चींटी की उम्र लंबी होती है, वह 20 से 30 साल तक जीवित रह सकती है। रानी चींटी के मरने के बाद चींटियों की कॉलोनी के लिए जीवित रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और वो केवल कुछ महीनों तक ही जीवित रह पाते हैं। अब जानते हैं चींटियों के बारे में कुछ रोचक जानकारी। नंबर 1, सबसे बड़ी चींटी अफ्रीका में पाई जाती है, जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है। नंबर 2, हर प्रजाति की चींटी की अपनी सीमाएं होती है, जो एक दूसरे पर हमला भी कर सकती है। नंबर 3, चींटियों की कई प्रजातियां खूंखार भी होती है। ऐसी प्रजाति की चींटी मध्य अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण एशिया में पाई जाती है। नंबर 4, चींटियों के अपने महल भी होते हैं, जो 3 फुट तक ऊंचे भी हो सकते हैं। नंबर 5, मनुष्य और चींटी ही पूरी दुनिया में ऐसी प्रजाति है जो अपना भोजन इकट्ठा करके रखती है। नंबर 6, चींटियों के कान नहीं होते हैं, लेकिन वो जमीन के कंपन से महसूस कर सकते हैं। नंबर 7, चींटियां सामाजिक प्राणी होते हैं, जो कॉलोनी में रहती है। इस कॉलोनी में क्वीन, मेल चींटी और बहुत सारी फीमेल वर्कर्स चींटियां होती है। नंबर 8, रानी चींटी के बच्चों की संख्या लाखों में होती है। नंबर 9, कॉलोनी में रहने वाले कुछ मेल चींटियों का काम क्वीन के साथ मीटिंग करने तक ही सीमित होता है और इसके बाद वो बहुत ही जल्दी मर जाते हैं। नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि चींटियों के 2 पेट होते हैं, जिसमें से एक में वो अपना भोजन रखती है और दूसरे में किसी और का भोजन रखती है।
नंबर 11। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन यह सच है कि चींटियां मांसाहारी होती है। नंबर 12। यह चींटियां लाखों की संख्या में अपने शिकार की तलाश में निकलती हैं। जब शिकार इनके चंगुल में फंस जाती है तो ये उनका मांस खा जाते हैं। नंबर 13। चींटियों में एक खास गुण होता है जिसके चलते वे अपने शरीर से छोड़ी गई गंध के जरिए अपने बिल में वापस भी जा सकती है, चाहे वे कितनी भी दूर ही क्यों ना निकल गए हों। नंबर 14। ऊंचाई से गिरकर ही चढ़ना इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। ये निरंतर गिरते रहते हैं फिर भी कोशिश करते रहते हैं। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और फ्यूचर में ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टॉप 10 बेस्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।